शादियों में कैसे बनाते हैं पनीर की सब्जी जो इतनी टेस्टी होती है। अब देखिए इसमें हमने रिफाइंड डाल दिया है और रिफाइंड अभी गर्म हो रहा है। अब इसमें क्या डाल रहे हैं? अब इसमें देखो पहले जीरा डाला, ये जीरा भुन जाएगा, गरम तेल में जीरा डाला। अब क्या डाला इसमें? इसमें अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला है। अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला इसके अंदर और इसको खूब भुना जा रहा है। अब इसमें डाला जा रहा है खोआ, जिससे बर्फी बनती वगैरह बनती है वो इसके अंदर डाला जा रहा है पनीर की सब्जी के अंदर। और इसको अच्छे से हिलाएंगे, अब इस कच्छड़ से चलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे देगी मिर्च, MDH की देगी मिर्च, और इसमें डाल दिया हल्दी। वो आप जितनी सब्जी बनाओ उसके अनुसार अनुपात में आप डाल सकते हैं। और इसमें अब हम डाल रहे हैं पिसा हुआ टमाटर का पेस्ट। देखिए कैसी ग्रेविटी बन के आ रही है एकदम। वो इसको बार बार हिलाते रहें, ग्रेविटी का कलर बहुत ही मस्त होता जा रहा है। अब ये डाल रहे हैं हींग इसके अंदर। हींग डालने के बाद डाला है कस्तूरी मेथी। ये लाल मिर्च है पाउडर, इससे रंग आ जाएगा, रेड चिली पाउडर है ये। अब ये इसमें डाला नमक स्वाद अनुसार। और अब ये क्या डाल रहे हैं? कच्चा अदरक का, कच्चा अदरक आता है डिब्बे में, ये डाला जाता है। पक्का पहले डाल दिया, अब ये आजकल के जो चोचले आते हैं वो डाला गया है, थोड़ा सा इसे अलग टेस्ट बन जाएगा। अब ये डाल रहे हैं गोले का बुरादा। देखिए गोला नारियल का बुरादा डाल रहे हैं इसके अंदर। मटर पनीर बन रहा है तो इसमें हमने डाल दिया मटर। मटर को पहले उबाल लिया गया है, उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं उबाली हुई मटरों को। और इधर पनीर की कटाई चल रही है। अब इसमें डालेंगे किचन किंग, गरम मसाला। अब गरम मसाला,
चना मसाला, ये चना मसाला। देखिए सब्जी भी अब हमारी ऊपर की तरफ आ रही है, ये उबल रही है, उबाल इसमें आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से हिलाते रहे जैसे मसाला पूरी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए अब 5-7 मिनट के बाद ये पनीर सब्जी हमारी तैयार। आप भी घर इस तरह की सब्जी बना सकते हैं। इसमें डाल दिया काजू, अब डाला इसमें काजू, अब हमारे कारीगर भोग लगा के इसको चेक करेंगे। अभी थोड़ी कमी है, इसमें डाला काला नमक। अब रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, इसको सर्व कीजिए और मज़े से खाइए। आप भी घर में ऐसे बना सकते हैं।